हेलो एवरीवन, कल आप लोगों का जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। अब आप लोगों के मन में एक क्वेरी होगा कि सर क्या परसेंटाइल चाहिए जेईई एडवांस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हर एक कैटेगरी को क्या परसेंटाइल होना चाहिए, मिनिमम परसेंटाइल, कि वो जेईई एडवांस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाए। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड परसेंटाइल बताने वाले हैं जिससे आप जेईई एडवांस में क्वालिफाई किए हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले कुछ सालों की, कि पिछले कुछ सालों में क्या परसेंटाइल था जो जेई एडवांस में क्वालिफाई किया था। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जनरल वालों की 2022 में, तो 2022 में जेई एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों को 88.412 परसेंटाइल चाहिए था मिनिमम। जिनका भी 88.412 परसेंटाइल या उससे ऊपर परसेंटाइल आया था वो लोग जेई एडवांस में क्वालिफाई कर गए थे, मतलब जेई एडवांस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किए थे। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस वालों को, तो ईडब्ल्यूएस वालों को 63.111 परसेंटाइल चाहिए था। अगर हम बात करें ओबीसी वालों को, तो ओबीसी वालों के लिए 67.009 परसेंटाइल चाहिए था जिससे वो जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाए। अगर हम बात करें एससी वालों के लिए, तो एससी वालों को 43.082 परसेंटाइल चाहिए था, और अगर हम एसटी वालों की बात करें तो उनको 26.777 परसेंटाइल चाहिए था, और अगर हम जनरल पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उन लोगों को 0.00310 परसेंटाइल चाहिए था। ये लोग वो परसेंटाइल हम यहाँ पे बताए हैं जो 2022 में जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए थे। अगर हम 2021 की बात करें, तो 2021 में जनरल को जो परसेंटाइल चाहिए था वो 87.899, ईडब्ल्यूएस वालों को जो परसेंटाइल चाहिए था वो 66.221, फिर ओबीसी वालों को जो परसेंटाइल चाहिए था वो 68.023, फिर एससी वालों को जो परसेंटाइल चाहिए था वो 46.882, एसटी वालों के लिए 84.672, और जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 0.0096 परसेंटाइल चाहिए था। यह था आपका 2021 का। अगर हम 2020 की बात करें, तो जनरल वाले 90.3765 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस वालों को चाहिए था 70.243 परसेंटाइल, ओबीसी वालों को चाहिए था 72.888 परसेंटाइल, फिर एससी वालों को चाहिए था 50.176 परसेंटाइल, एसटी वालों को चाहिए था 39.09 परसेंटाइल, और पीडब्ल्यू जनरल पीडब्ल्यू वालों को चाहिए था 0.061824 परसेंटाइल। तो ये था प्रीवियस तीन साल का। तो इस बार क्या परसेंटाइल होना चाहिए जेई एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए? तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार जो परसेंटाइल होना चाहिए वो 87 परसेंटाइल होना चाहिए, 87 समथिंग के आसपास होना चाहिए। जिनका भी 87.5 आएगा वो ऑलमोस्ट कंफर्म है, जनरल वालों में वो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो आसानी से जेई एडवांस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ये था जनरल के लिए। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस वालों को 62 परसेंटाइल चाहिए होगा। जिनका भी 62 परसेंटाइल आएगा दोनों मिलाकर वो आसानी से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, मिनिमम 62 परसेंटाइल चाहिए। अगर हम बात करें ओबीसी वालों की, तो ओबीसी वालों को परसेंटाइल चाहिए होगा इस बार 66 परसेंटाइल। जिनका 66 परसेंटाइल आएगा वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। एससी वालों की अगर हम बात करें तो उनको चाहिए होगा 42 परसेंटाइल। जिनका 42 को हम इग्नोर करके कह रहे हैं, 42 परसेंटाइल जिनका भी आएगा वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे एससी कैटेगरी में। और अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी वालों को चाहिए होगा 24 परसेंटाइल। जिनका 24 परसेंटाइल आएगा वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जनरल पीडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो उनको चाहिए होगा 0.002 परसेंटाइल। जिनका भी 0.02 परसेंटाइल के आसपास आएगा वो आसानी से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये था एक्सपेक्टेड परसेंटाइल 2023 जेई मेंस एग्जामिनेशन का, जिससे आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाए।
थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट करके अपना परसेंटाइल जरूर बताएं कि आपका परसेंटाइल जनवरी वाले सेशन में क्या आया। थैंक यू।